माइटी पोकेमॉन्स। तो गाइस माइटी पोकेमॉन्स को लेके ढेर सारा कंफ्यूजन मुझे मिल रहा है भाई। माइटी पोकेमॉन्स कैसा होगा, कितना आईवी का होगा, कितना लेवल का होगा। तो गाइस बता दूं, माइटी पोकेमॉन्स जो होने वाला है ना, ऐसा पोकेमॉन्स आपको वाइल्ड में कभी भी नहीं मिला है। ठीक है, क्या क्या उसका खासियत है वो तो सब मैं वीडियो में बताऊंगा, बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि उसको आप कैसे गेट करोगे, क्योंकि गाइस उसको गेट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग थक जाओगे, उसको कैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एंड बहुत जल्दी भाग जाता है। तो गाइस वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। एंड गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेट ट्रिक के एक नए वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि माइटी पोकेमॉन्स कौन सा आएगा अभी तक अगर आपको नहीं पता, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रॉपर डिटेल्स डाल दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले और एक चीज बता दूं, न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। गाइस एक चीज बता दे, पोकेमॉन गो को पता चल चुका है कि भाई हम लोग को रेट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। सो दैट्स व्हाई देखो आप लोगों को पता ही है 5-star रेट में, इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता दूं, 5-star रेट में भाई जो टफ, जितना टफ था 5-star रेट, अभी बहुत कम हो चुका है। अभी सिर्फ आप 3 या 4 बंदे या 5 बंदे मिलकर भी एक 5-star रेट कर सकते हो, बट हाँ आपके पास फिलहाल के लिए अच्छा सीपी पोकेमॉन होना चाहिए। अगर आप लोग 10 प्लेयर्स इकट्ठा कर लोगे तो इजीली आप लोग 5-star रेट को जीत सकते हो, मतलब इतना अभी हो चुका है उसका लेवल। एंड उसके साथ साथ न्यू अपडेट आज मुझे मिला है कि भाई अभी आप लोग फ्रेंड लिस्ट से डायरेक्ट भाई जो रेट के लिए इनविटेशन है वो भेज सकते हो, तो रेट के लिए बुला सकते हो। अभी अपडेट प्रॉपरली नहीं आया है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है भाई अभी आप लोगों का रेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस चलो अभी टॉपिक में आते हैं, क्या है माइटी पोकेमॉन्स। तो गाइस माइटी पोकेमॉन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, माइटी पोकेमॉन्स जो आपको वाइल्ड में मिलेगा हायर लेवल मिलेगा भाई। देखो ड्रैगनाइट का वाइल्ड में नहीं मिलता, ड्रैगनाइट वाइल्ड में हमें मिलता है भाई, उसके साथ साथ गैराडोस भी वाइल्ड में मिलता है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मिला है वेनोसोर, ये सब कुछ हमें वाइल्ड में मिलता है, लेकिन यही तो माइटी पोकेमॉन्स है। तो माइटी पोकेमॉन्स और उसमें क्या फर्क है, वो भी तो पहले मिलता था, बट ये माइटी क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट उसका लेवल कितना होता था जो आपको पहले गैराडोस या वेनोसोर मिला है, लगभग 15 लेवल 10 लेवल, मैक्स टू मैक्स 20 लेवल। लेकिन गाइस जो माइटी पोकेमॉन्स होगा उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल सुन लो, अगर आपको वेदर बूस्टेड मिला तो गाइस उसका मिनिमम ही होने वाला है 45 लेवल। ओह माई गॉड भाई, 45 लेवल मतलब समझ लो रेड में जो आपको लेजेंडरी मिलता है ना, वेदर बूस्टेड लेजेंडरी, उसका भी लेवल 25 होता है। ध्यान से सुनो, जो वेदर बूस्टेड लेजेंडरी मिलता है उसका भी लेवल 25 होता है, बट यहां पर आपको माइटी पोकेमॉन वाइल्ड में डायरेक्ट 45, ओ माय गॉड, वेदर बूस्टेड में 45 एंड जो मैक्सिमम होगा 50 लेवल, मतलब एक पोकेमॉन का मैक्स लेवल ही होता है 50। अगर आप एक 50 लेवल माइटी पोकेमॉन को कैच कर लोगे तो उसको आपको अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको एक मैक्स आउट पोकेमॉन मिलेगा। हाँ मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे कि उसको आप कैसे कैच कर सकते हो, वीडियो को अभी एंड मत करना, मतलब छोड़ के मत जाना, ठीक है। वो कैसे कैच करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 लेवल पोकेमॉन कैच करना उतना आसान नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और अगर आपको नॉन वेदर बूस्टेड मिला तो उसका कितना लेवल होगा, उसका लगभग 40 to 45 लेवल, भाई ये भी कम नहीं है, 40 to 45 लेवल, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है। तो सीपी का भी डिफरेंस होगा, तो लगभग आपको 4000 के आसपास सीपी मिल जाएगा, समझ रहे हो। अभी आते आईवी, आईवी भाई 90 आईवी से ऊपर मिलेगा सब, ये पकड़ के चलो माइटी पोकेमॉन्स का हर एक पोकेमॉन का भाई 90 से ऊपर आपको आईवी मिलेगा। आईवी सीपी लेवल मतलब सब कुछ बेस्ट बेस्ट होने वाला है, एंड उसके साथ साथ शाइनी भी अवेलेबल रहेगा भाई। तो इतना इंपॉर्टेंट है माइटी पोकेमॉन, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन मिलेगा, 23 एंड 24। कौन कौन सा है मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। बट अभी मुद्दा आता है, इसको आप लोग कैच कैसे करोगे भाई, समझ रहे हो कितना टफ होगा इसको कैच करना। एंड गाइस ऑलमोस्ट सबका सीपी हाइड रहेगा, हाइड मतलब वो आप देख नहीं पाओगे, इतना ज्यादा सीपी होगा। तो गाइस अभी कैच कैसे करना है वो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हो तो जल्दी से क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और गाइस वीडियो में लाइक करना भाई, मुझे नहीं पता ये वीडियो का लाइक है, मैं 1K रखने वाला हूं, मतलब 1000 लाइक्स रखने वाला हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों को कंप्लीट करना है भाई, ये सबसे तगड़ा टॉपिक है भाई, इसको अगर आप मिस कर दोगे मतलब माइटी पोकेमॉन हाथ से गया। लेट्स गो गाइस, अभी आते हैं कैसे कैच करना है। और हां सुनो, मैं आप लोगों को आईवी के बारे में बता रहा था ना कि 90 प्लस, उसका मिनिमम ही 90 आईवी होगा, मतलब इससे नीचे तो होगा ही नहीं,
मिनिमम 95 IV भाई, 90 मतलब मैं 90 के घर में बता रहा था, बट मिनिमम 95 IV। ये कौन सा मजाक चल रहा है भाई, मिनिमम 95 IV, मैक्सिमम तो 100 IV, इससे ज्यादा होता भी नहीं है। ओके, तो इसके वजह से ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाला है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो उसके लिए आपको एक बेरी अभी से कलेक्ट करके रखना है, गोल्डन रोजबेरीज या नानब बेरीज आप लोगों को यूज करना है, क्योंकि वो एग्रेसिव है, तो उसको शांत करने के लिए नानब बेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका लेवल मतलब कि उसको जल्दी से कैच करने के लिए आपको गोल्डन रेसबेरी भी रखना है। ओके, अगर आप लोगों को चाहिए कि कौन सा बेरी कैसे काम करता है उसके ऊपर डिटेल्स लाओ, बहुत ही छोटा वीडियो होगा बाय द वे, तो मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट गाइज अभी बता दूं, आपको नानब बेरी यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन गाइज आपको यूज करना है सफारी बॉल। आप तो भूल ही जाओ कि आप सफारी बॉल के बिना इसको कैच कर पाओगे, मास्टर बॉल है तो आप एक कैच कर पाओगे, बट सफारी बॉल से कैच करना भाई, मास्टर बॉल वेस्ट मत करना। तो आपको सफारी बॉल यूज करना है, मान लो कि आपने नानब बेरी फेंका है, सफारी बॉल यूज किया है, अभी वो बाहर निकल चुका है, फिर से आपको फिर से उसको कैच करना है, देन गाइज आपको गोल्डन रसबेरी यूज करना है। तो इसको कैच करना बहुत टफ होगा, याद रखना नानब बेरी, गोल्डन रसबेरी एंड सफारी बॉल के मदद से आपको पोकेमॉन्स को कैच करना है। सो सफारी बॉल छोटा करके बता देता हूं, वो सफारी बॉल आपको टाइम रिसर्च या स्पेशल रिसर्च में आएगा 23 and 24। फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन कंप्लीट करके सफारी बॉल गेट करो, देन आप माइटी पोकेमॉन कैच करने जाना। ओके, एंड अभी से नानब बेरी एंड थोड़ा बहुत गोल्डन रसबेरीज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। तो चलो गाइस, यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। यहां पर मैंने टोटल डिटेल्स बता दिया है, इसके बाहर माइटी पोकेमॉन्स के ऊपर कोई भी डिटेल्स नहीं है। एंड हाँ, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता कौन कौन सा माइटी पोकेमॉन्स हमें मिलेगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड गाइस, और एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर एक चीज इंक्लूडेड है कि फिलहाल के लिए ये 2 दिन के लिए माइटी पोकेमॉन्स आ रहा है, फिलहाल के लिए। सो गाइस, इससे ही पता चलता है इसके बाद भी बहुत ज्यादा ही माइटी पोकेमॉन्स हमें बाद में मिलने वाला है, सो उतना टेंशन मतलब, बट हाँ अभी 2 दिन के लिए मिल रहा है, इसके बाद कब मिलेगा वो किसी को नहीं पता। सो अभी 2 दिन अच्छे से गेट करना, ठीक है। तो चलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक एम जो है ना 1K लाइक्स वो कंप्लीट जरूर कर देना, एंड चैनल बना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।